अब आ जाइए, जोरदार तालियां बजा करके इस्तकबाल करें जनाब इजहार रश्मि साहब। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़ा सा जख्म नासूर कर देता है। जी चाहता है रहूं हमेशा आपके साथ, पर वक्त भी हमें मजबूर कर देता है। आज के इस जलसा के सदर और हक की आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डाइस पर बैठे हुए हक की आवाज के प्रेमी और जिम्मेदारान सामेन हजरात और हमारे पत्रकार बंधु, मैं सिर्फ दो मुद्दे पर बात करूंगा और दो से तीन मिनट में इंशाअल्लाह रहमान आपसे, आप तमाम लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। मैं वाकया सुना दूं कि मैं इत्तफाक से अपने घर में था, टेलीफोन में रिंग हुआ, मैं टेलीफोन रिसीव किया और आवाज आई कि मैं लुधियाना से बोल रहा हूं, सज्जाद आलम। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में तफसील से बताया कि मैं एक हक की आवाज को चला रहा हूं यहां पर और आने वाले 8 तारीख को हमारा 4 साल पूरा होने जा रहा है। उसके लिए मैं पंजाब के लुधियाना में एक प्रोग्राम रखना चाहता हूं और मैं ये भी ख्वाहिश करता हूं कि विधायक जी आपको भी हर हाल में यहां पर आना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं अपने दिमाग पर जोर दिया कि हमारे बिहार के एक नौजवान वहां पर फूल फल रहे हैं और तकरीबन सिर्फ और सिर्फ किशनगंज के 2 लाख नौजवान का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका नाम है, बोलिए आप लोग, जिसका नाम है एमडी सज्जाद आलम। ये मामूली बात नहीं है, ये किशनगंज और खास तौर पर कोचा धामन की सरजमीन से ताल्लुकात रखते हैं। इसकी माँ ने इसको इतना दूध पिलाया, इसकी माँ के दूध में इतना ताकत है कि एक बिहार के सुदूर देहात कमलपुर से आके आपका पंजाब में खिदमत दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस बंदे को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ साथ इसकी टीम के जितने सारे नौजवान हैं उस लोगों को भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मैं एक बात और आप लोगों से गुफ्तगू कर लेना चाहता हूं कि मैं आपके कोचा धामन का एक एमएलए हूं जो हमारे सर पर आप तमाम कोचा धामन विधायक के लोग, विधानसभा के लोग जिम्मेदारी दिए हैं। मैं अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को 100% निभाने का काम करता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है और मैं जो पता नहीं है मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूं, जब हमारे यहां पर इस मुल्क में ही नहीं पूरे दुनिया में जब कोरोना फैल गया था, आप सभी लोग ऑनलाइन इस जमाने में रहते हैं देखते होंगे, मैं एक एक आदमी और एक एक गांव में जा जाकर सबका हाल पुरसिस लिया करता था। इसी बीच में जब कंट्रोल नहीं हुआ, आदमी मरने लगे तो उसको दफनाने के लायक आदमी नहीं था। चूंकि हम एक जिम्मेदार जमीयते उलमा हिंद कोचा धामन के सदर भी हैं, हम लोगों पर जिम्मेदारी आई है, आई थी कि लाश को दफनाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। फिर हम लोगों की टीम उन लोगों को दफनाने का काम कर रहा था,
हमारी जमीयत उलमा की टीम दफनाने का काम कर रहा था और सहमे सहमे था। उस वक्त अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर एक हक की आवाज की टीम को हमारे कंधे से कंधे मिलाकर लाशों को दफनाने का काम किया था। उसका नाम है सज्जाद आलम। मेरे दोस्तों, ये तमाम काम करते 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 आखिर में मैं खुद कोरोना पेशेंट हो गया था, जो आप लोगों को पता है। उसके बाद भी मैं नहीं हारा, मेरी टीम नहीं हारी। रात दिन मेरे साथ में 25 लोग रहा करते थे। जब मेरा बेटा गुड्डू इम्तियाज अस्पताल मुखिया जी अपने बड़े भाई के कहने पर इफ्तखार अस्पताल के कहने पर दुबई से कि तुम लोग जो अब्बा के साथ रहते हो अपना भी कोविड टेस्ट करो। अल्लाह रे अल्लाह, जब 2500 आदमी का कोविड टेस्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी को कोविड नहीं हुआ था, 22 का 2200 आदमी को कोविड हो गया था। उस टाइम में सब लोगों का कलेजा कांपने लगा और कहने लगा कि हाजी साहब तोर संग आर नहीं जाम। लेकिन अल्लाह की रहमत आई। रात को मैंने रोया, उलमा हजरात से मैं खुशामद किया और उन लोगों का हिम्मत अफजाई किया और सारे लोगों को एक साथ में लेके फिर लोगों को दफनाने का काम किया। इसलिए मेरे मुझे हिम्मत आया कि हक की आवाज भी हमारे साथ में जाकर। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो हमें डिस्टर्ब करने के लिए भी यहाँ पर आया है। मैं खबरदार करना चाहूं कि अपने आप पर काबू लो। मैं अपने इलाके के लोगों को दुख दर्द सुनाने के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों, ये लोग चाह रहे हैं कि इजहार अस्मी की बात न सुना जाए, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं तमाम नौजवान को कि एक नंबर की बात सुन लो आप, कि मेरा आप लोग सभी लोग मोबाइल नंबर जो नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है, लिखिए, 9403059143। इसी नंबर पर यहां से नहीं, सऊदी अरब से भी कोई बच्चे को कोई तकलीफ अगर हो तो इस नंबर पर फोन कीजिएगा। रात के 12 बजे भी ये बंदा आपके लिए तैयार है, तैयार था और इंशाअल्लाह रहमान तैयार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं तमाम लोगों का फिर से दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खास तौर पर तबरेज हाशमी का मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सज्जाद साहब, आपको भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद।